दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे टेक उर्दू चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप तक पहुंच सके हमारी नई वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो कि आप लोगों को मिलने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 10,000 की प्राइस रेंज के अंदर। दोस्तों इनमें से एक मोबाइल जो है वो आप लोगों को तकरीबन 11,000 रुपए के अंदर अवेलेबल होगा। बाकी जो मोबाइल फोन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो सारे के सारे 10,000 की प्राइस रेंज के अंदर हैं। दोस्तों यहाँ पे एक जो चीज सामने आ रही है वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लो बजट स्मार्टफोन है वो सारे के सारे क्यू मोबाइल की तरफ से ही है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वो क्यू मोबाइल के कौन कौन से मॉडल है या फिर वो कौन से मोबाइल फोन है जो कि आप लोगों को 10,000 की प्राइस रेंज के अंदर अवेलेबल हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास स्मार्टफोन मौजूद है वो है क्यू मोबाइल ड्यूअल वन जो कि हमें मिल रहा है 8,500 रुपए के अंदर। दोस्तों इस मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन काफी अच्छी है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के प्रोसेसर की। तो यहाँ पे आप लोगों को मिलने जा रहा है 1.3 गीगाहर्ट्ज़ का क्वाड कोर प्रोसेसर। दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं डिस्प्ले साइज की। तो यहाँ पे आप लोगों को 5.00 इंच के अंदर इसका डिस्प्ले साइज दस्तयाब होगा। और अगर मैं बात करता हूँ रैम और इसकी इंटरनल स्टोरेज की, तो रैम के अंदर आप लोगों को 1 GB रैम और इंटरनल स्टोरेज के अंदर 8 GB इंटरनल स्टोरेज यहां पे आप लोगों को अवेलेबल होगी क्यू मोबाइल ड्यूल वन के अंदर। तो दोस्तों अगर आप लोग बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन देखना चाहते हैं तो स्क्रीन के इस साइड पे आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों मैं दूसरे जितने भी मोबाइल फोन के बारे में आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ उसके अंदर थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, बाकी आप लोग स्क्रीन के इस साइड पे देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं जी नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है क्यू मोबाइल का एक और स्मार्टफोन, इसका नाम है एनर्जी एक्स वन। दोस्तों एनर्जी एक्स वन और क्यू मोबाइल ड्यूल वन की स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आप लोगों को 1.3 गीगाहर्ट्ज़ का क्वाड कोर प्रोसेसर दस्तयाब होगा। रैम के अंदर 1 GB रैम और स्टोरेज के अंदर आप लोगों को 8 GB इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे अवेलेबल है। दोस्तों प्राइस की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल होगा 9,999 रुपए के अंदर ये वाला मोबाइल फोन। दोस्तों बढ़ते हैं जी नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है क्यू मोबाइल एनर्जी X2। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को काफी अच्छा स्मार्टफोन मिलने जा रहा है जो कि आप लोगों को मिलने जा रहा है 11,999 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर। दोस्तों इस मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को 1.3 गीगाहर्ट्ज़ का क्वाड कोर प्रोसेसर दस्तयाब होगा। अगर मैं बात करता हूँ इसकी इंटरनल स्टोरेज की, तो यहाँ पे आप लोगों को 16 GB इंटरनल स्टोरेज दस्तयाब है। और अगर मैं बात करता हूँ रैम की, तो यहाँ पे आप लोगों को 2 GB रैम दस्तयाब होगी। तो दोस्तों इस तरह से काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ ये मोबाइल फोन आप लोगों को तकरीबन 12,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर अवेलेबल होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं जी नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है क्यू मोबाइल नॉर i9i। दोस्तों ये मोबाइल फोन काफी चर्चा रहा था यूट्यूब के ऊपर और हमारे टीवी चैनल के ऊपर, क्योंकि इसकी जो प्राइस थी वो बहुत ही कम थी, यानी 7,600 रुपए के अंदर ये मोबाइल फोन आप लोगों को अवेलेबल था मार्केट के अंदर। दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को 1.3 गीगाहर्ट्ज़ का क्वाड कोर प्रोसेसर दस्तयाब होगा। क्वालकॉम और स्नैपड्रैगन की चिप इसके अंदर अवेलेबल है। अगर मैं बात करता हूँ दूसरी स्पेसिफिकेशन के अंदर यानी स्क्रीन की, तो यहाँ पे आप लोगों को 5.00 इंच के अंदर इसकी स्क्रीन दस्तयाब होगी। और अगर मैं बात करता हूँ रैम की, तो यहाँ पे आप लोगों को 1 GB रैम के साथ 16 GB इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे अवेलेबल होगी इस स्मार्टफोन के अंदर। बाकी स्पेसिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के इस साइड पे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जी नेक्स्ट स्मार्टफोन की। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है नोकिया 2। दोस्तों नोकिया 2 के अंदर भी कुछ इसी तरह की स्पेसिफिकेशन के साथ नोकिया 2 आप लोगों को अवेलेबल होगा पाकिस्तान के अंदर। अगर मैं प्राइस रेंज की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को नोकिया 2 11,340 रुपए के अंदर ये मोबाइल फोन पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। दोस्तों स्पेसिफिकेशन के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, तो आप लोगों को 1 GB रैम दस्तयाब होगी और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ ये मोबाइल फोन आप लोगों को अवेलेबल होगा। दोस्तों प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को 1.3 गीगाहर्ट्ज़ का क्वाड कोर प्रोसेसर ही इस मोबाइल फोन के अंदर अवेलेबल होगा। दोस्तों मैं प्राइस इसकी दोबारा बता देता हूँ, 11,340 रुपए के अंदर ये मोबाइल फोन आप लोगों को अवेलेबल होगा लोकल मार्केट के अंदर। दोस्तों ये थे वो मोबाइल फोन जो कि आप लोगों को मिलने जा रहे थे तकरीबन 10,000 की प्राइस रेंज के अंदर। इनमें से दो मोबाइल फोन ऐसे थे जो कि 11,000 रुपए या फिर आप लोग 12,000 रुपए के लगा सकते हैं। बाकी जो जितने मोबाइल फोन मैंने आप लोगों को बताए हैं वो तकरीबन 10,000 के नीचे ही आप लोगों को अवेलेबल होंगे। दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे एक चैनल के ऊपर एक कॉमेंट आया था, हमारे एक भाई ने किया था जिनका नाम है फैजान अफजाल। उन्होंने कॉमेंट किया था कि
आप लोग बजट प्राइस के अंदर जो मोबाइल फ़ोन है उनके बारे में भी बताएं अपने चैनल के ऊपर। तो लो फैज़ान भाई, आपकी रिक्वेस्ट हमने पूरी कर दी है। और आप लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग किसी खास टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ, तो आप लोग वो टॉपिक भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।